योर टाइगेबल मॉक वेयर, क्या हाल चाल। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप व्हाट्सएप में अपना व्हाट्सएप ग्रुप को ओपन कर सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको व्हाट्सएप एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि व्हाट्सएप एप्लीकेशन हमारा ओपन हो चुका है। तो व्हाट्सएप एप्लीकेशन को ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर में व्हाट्सएप ऊपर नज़र आ रहा आपको, और उसके बगल में आपको नज़र आ रहा होगा सर्च का आइकन, और उसके बगल में थ्री डॉट्स आपको नज़र आ रहा होगा, और उसके नीचे आपको एक कैमरा का ऑप्शन और चैट्स और स्टेटस और कॉल्स। तो आपको वहाँ पर सर्च आइकन के बगल में आपको थ्री डॉट वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना है। उसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे टॉप में आपको नज़र आ रहा होगा न्यू ग्रुप का ऑप्शन, तो वहाँ पर आप क्लिक कर दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप न्यू ग्रुप ऊपर में आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, और ऐड पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर ये लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जितना भी दोस्त लोग हैं, यहाँ पर जितना भी चैट्स लोग हैं, यहाँ पर आपको नीचे में आप स्लाइड करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पर जिसको भी आप चाहते हैं तो यहाँ पर से आप बस में टैप कर दें और यहाँ पर से उनको ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप उनको सर्च करें तो यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन में आप जाएँ, बस क्लिक कर दें और अपना दोस्तों को यहाँ पर जो आपका चैट है उसके यहाँ पर सर्च करें और उसको बस एक बार टैप कर दें। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग जितने भी लोग को आप ऐड करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, वो यहाँ पर 1, 2, 3 करके यहाँ पर उनका लोगो आता रहेगा, उनका DP आता रहेगा और उनका नाम उनका नीचे लिखा रहेगा और वो ऐड होते रहेंगे आपके ग्रुप में। तो यहाँ पर जितने भी लोग को आपको ऐड करना है उनको आप ऐड कर दें। अभी आपको सिर्फ दिखाने के लिए हम सिर्फ एक ही पार्टिसिपेंट को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट पेज में यहाँ पर ऊपर में आपको नज़र आ रहा होगा न्यू ग्रुप और नीचे में ऐड सब्जेक्ट। तो यानी कि यहाँ पर आपको अपने ग्रुप का सब्जेक्ट ऐड करना होगा, यानी कि जो आप ग्रुप का टाइटल रहेगा तो आप अपना ग्रुप का टाइटल दे दें, जो भी आपको टाइटल देना है यहाँ पर कोई भी टाइटल दे सकते हैं आप। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में लिखा हुआ है पार्टिसिपेंट्स 1, तो अभी एक ही पार्टिसिपेंट है तो अभी एक ही रहेगा। और यहाँ पर आप कुछ भी यहाँ पर आप नाम दे सकते हैं अपने ग्रुप का, यहाँ पर ट्रायल ग्रुप हम नाम दे देते हैं इसका। और उसके बाद बगल में आपको दिख रहा होगा कैमरा का ऑप्शन, तो कैमरा का ऑप्शन में आप ग्रुप आइकन आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, वहाँ पर गैलरी से कैमरा से आप कोई भी अपना फ़ोटो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कैमरा से आप लाइव फ़ोटो खींच सकते हैं, अगर आप चाहें कि तुरंत खींचें और तुरंत डालें तो कैमरा से वो कर सकते हैं। गैलरी से आप कोई प्रीवियस जो फाइल है, जो फ़ोटो है आपका, उसको आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप उसको डाल दें तो यहाँ पर आप इमोजी वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो इमोजी वाला ऑप्शन से भी आप मतलब आप इमोजी भी ऐड कर सकते हैं अपने टाइटल को। उसके बाद आप सिंपली जो नीचे में आपको टिक का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा तो वो टिक वाले ऑप्शन में आप क्लिक कर दें और यहाँ पर से आपका ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बॉक्स में लिखा हुआ है यू क्रिएटेड ग्रुप ट्रायल ग्रुप। तो यहाँ पर उस बॉक्स में आपको आपके ग्रुप का नाम लिखा रहेगा और लिखा रहेगा यू क्रिएटेड ग्रुप। तो यहाँ पर ट्रायल ग्रुप जहाँ आपका ग्रुप का नाम लिखा हुआ है उसको आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर से आप बहुत सारे सेटिंग्स आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप अगर चाहें कि और पार्टिसिपेंट को ऐड करें तो वहाँ पर ऊपर में आपको आइकन नज़र आ रहा होगा और पार्टिसिपेंट को ऐड करने का, तो वहाँ पर से आप और पार्टिसिपेंट्स को ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि आप डिस्क्रिप्शन में कुछ डालें तो यहाँ पर आप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में कुछ आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग ग्रुप डिस्क्रिप्शन
जो 1, 2, 3 को हम डाल दिए थे तो यहाँ पर वो सेट हो चुका है। और यहाँ पर डिसअपीयरिंग मैसेज, जो नया व्हाट्सएप का अपडेट आया है तो उसको भी आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। उसमें हर 7 दिन में आपका मैसेजेस या आपका रिमूव होता रहेगा आपके ग्रुप से। और ये सब जो कंट्रोल्स है ये सब सिर्फ एडमिन को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रुप सेटिंग्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और ये बहुत ही ज़रूरी होता है। यहीं पर से आप बहुत कुछ को मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पर एडिट ग्रुप इन्फो, यानी कि ग्रुप इन्फो वही सिर्फ एडिट कर पाएंगे जो जो एडमिन्स रहेंगे, वही ग्रुप इन्फो एडिट कर पाएंगे। अगर आप यहाँ पर उनको क्लिक करें और ओनली एडमिन्स को आप क्लिक कर देंगे तो वहाँ पर सिर्फ एडमिन ही एडिट ग्रुप इन्फो कर पाएंगे। जैसे कि जो चैनल व्हाट्सएप ग्रुप का लोगो होता है, डीपी होता है, तो उसको सिर्फ एडमिन्स ही उसको एडिट कर पाएंगे। और जो चैनल का टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, वो भी सिर्फ एडमिन्स ही कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप उसको बस क्लिक कर देना है और वो ग्रीन हो जाएगा, फिर ओके कर देना है तो वो सेट हो जाएगा। और उसके बाद नीचे में आपको नज़र आ रहा होगा सेंड मैसेजेस, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सिर्फ एडमिन जो रहेंगे वही सेंड मैसेज कर पाएंगे आपके ग्रुप में। तो यहाँ पर आप एडिट ग्रुप एडमिन्स भी कर सकते हैं। आप चाहें तो और भी जितना भी पार्टिसिपेंट है तो उनको वापस टैप कर दें और वो एडमिन बन जाएंगे। यहाँ पर से आप और पार्टिसिपेंट को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि सिर्फ मैं हूँ और एक और है। तो यहाँ पर से आप इनवाइट लिंक से भी आप अपने दोस्तों को ज्वाइन कर सकते हैं। आप लिंक बस भेज देंगे, अगर वो चाहे तो वो ज्वाइन कर लेंगे इस लिंक को। और यहाँ पर जब जितना भी चेंजेस आप करेंगे वो यहाँ पर ब्लू बॉक्स में यहाँ पर लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। तो आज वाले एपिसोड में केवल इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए चेज़र टेक।